दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दौलत पिस्ट है। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि अगर मशीन गलत वेट शो कर रही है तो उसको सही कैसे किया जाएगा। तो बेसिकली इसमें अलग अलग तरीके की मशीन होती है। आज हम इस तरीके का कार्ड देखिए, ये कार्ड जिस मशीन में लगा होता है उस मशीन का कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है। ज़्यादातर ये मशीनें आती हैं आपकी गोल्टेक, डॉल्फिन, मैक्स, गोल्ड लाइन, इस तरीके के नाम से ये मशीनें आती हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये मशीन रखा हुआ है, मशीन में आपका हम 1 kg का वेट रख रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि 1 kg का वेट है ये हम रख रहे हैं। तो ये 550 ग्राम बता रहे हैं जो कि गलत है। तो इसको सही करने के लिए हमने यहाँ पर मशीन में ऑफ बटन है, ऑन बटन है, टेयर फंक्शन मोड और स्टार बटन है, ठीक है। तो हमने फंक्शन और टेयर बटन को एक साथ दबाना है, दोनों अंगूठों से दोनों बटनों को प्रेस करना है। तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, देखिए, ऑन ऑफ फंक्शन टेयर, फंक्शन और टेयर बटन को एक साथ प्रेस करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम प्रेस कर रहे हैं तो मशीन में आएगा CAL और 1000। 1000 मतलब हमने इसमें 1 kg रखना है। अगर यहाँ पर 5000 आएगा तो हमने 5 kg रखना है। अगर यहाँ पर 10,000 आया तो 10 kg रखना है। इसी तरीके से हम हर कैपेसिटी की मशीन को रिपेयर कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो अभी आया 1000, हमने 1 kg रखा। उसके बाद हमने टेयर बटन प्रेस कर देना है। एक बार मशीन ब्लिंक होगा और ये डॉट आ जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया है। हम इसको ज़ीरो कर लेते हैं, वेट उतार लेते हैं। ये जो वेट आपने 1 kg रखा था वो आपका माइनस शो कर रहा है। अब हम इसके ऊपर दोबारा 1 kg को रखते हैं तो जो पहले 500 ग्राम या 550 ग्राम दिखा रहा था वो अभी एक्यूरेट हो गया। तो इसी तरीके से हम कोई भी मशीन हो आपकी, 20 kg हो, 30 kg हो, 50 kg हो, 100 kg हो, 500 kg हो या 1000 kg हो, सेम इसी प्रोसेस से हर मशीन का कैलिब्रेशन होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और कैलिब्रेशन करने का तरीका भी आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो